असलकम आज हमारा सी एस टू ज़ीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का ट्वेंटी लेक्चर है आज हम जो पिछली दफ़ा बात कर रहे थे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की और कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स की उसको लेके ज़रा आगे चलेंगे लेकिन एक डिफरेंट परस्पेक्टिव के साथ आज हम C++ में मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करेंगे C++ में मेमोरी एलोकेशन कैसे की जाती है हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम वॉट वी ऑलरेडी स्टडीड द सी स्टाइल ऑफ़ मेमरी एलोकेशन और इसमें कोई एडवांटेजेस हैं कि नहीं यू विल नोटिस दे आर सेवरल एडवांटेजेस और फिर इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और फिर क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स के साथ इसका इस्तेमाल कैसे आता है बिफोर वी गेट इन टू दिस वे ऑफ मेमरी मैनिपुलेशन इट वुड बी नाइस टू नो कि जी ऑब्जेक्ट्स क्या हम सिर्फ क्लास के साथ सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही क्रिएट कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं आंसर इज़ यू हैव टू थिंक बैक टू स्ट्रक्चर्स देखें जब हमने स्ट्रक्चर्स डिफ़ाइन किए थे तो हमने बात की थी तो एक तो स्ट्रक्ट के साथ हम एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं बट वी कुड ऑल्सो हैव अ पॉइंटर टू अ डेटा स्ट्रक्चर हाँ मुझे पता है आई मीन लाइफ इज़ नॉट दैट सिंपल पॉइंटर्स आर नॉट गोइंग टू गो अवे वो हमारी जिंदगी का अब हिस्सा बन गए हुए हैं सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट पॉइंटर्स आर एंड हाउ दे वर्क

और अगर स्ट्रक्चर में पॉइंटर होता था या यहाँ पे क्लास का पॉइंटर है तो उसके साथ डॉट ऑपरेटर की बजाय एरो ऑपरेटर चलता है यानी माइनस ग्रेटर देन सो यू विल हैव पॉइंटर नेम हाइफन या माइनस साइन ग्रेटर देन और फिर मेंबर नेम विच अगेन कुड बी अ डेटा मेंबर और अ मेथड फंक्शन ऑफ द क्लास सो पॉइंटर्स आर हेयर टू स्टे एंड वी विल टॉक अबाउट यूजिंग पॉइंटर्स टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स और रादर टू डिक्लेयर पॉइंटर्स टू अ टाइप ऑफ अ क्लास वी विल लुक एट दैट लेट एस स्टार्ट बाई टॉकिंग अबाउट मेमरी एलोकेशन सी के अंदर हमने कुछ फंक्शन इंट्रोड्यूस किए थे एक था मेलोक एम एलॉक फिर सी एलॉक था फिर री एलॉक था और इनके साथ हमने बताया था कि जी आप मेमरी में प्रोग्राम चलते वक्त यानी प्रोग्राम जब चल रहा हो उस वक्त आप हीप से कुछ मेमरी एलोकेट कर सकते हैं द एडवाटेज वॉज दैट यू डि नॉट नीड टू नो ऐट कम्पाइल टाइम यानी जब आप प्रोग्राम लिखते हैं उस वक्त लाजमी नहीं है कि आपको पता हो कि जी कितनी मेमरी चाहिए होगी एंड द क्लासिक एग्जाम्पल वॉज लेट्स टेक अ स्ट्रिंग यानी हम कम्पाइल टाइम के वक्त उसको बताते हैं कि जी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है यानी कैरेक्टर पॉइंटर और एरे बना लेते हैं या एक वेरिएबल के अंदर हम कुछ डेटा डाल के उसको इनिशलाइज़ कर लेते हैं तो जो डेटा हमने डाल के इनिशलाइज़ किया या जो एरे का साइज़ हमने बता दिया दैट इज़ फिक्स्ड ऐट रन टाइम वी कैनोट इंक्रीज दैट हाँ अगर हमने ज़्यादा बड़ी एरे डिक्लेयर कर दिए तो उसका छोटा सा हिस्सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं बट दैट इज़ वेस्टफुल ऑफ मेमरी ऑन द अदर हैंड सपोज़ हमने नाम स्टोर करना है किसी स्टूडेंट का तो एक स्टूडेंट का नाम है जमील सो इट ओनली नीड्स फाइव कैरेक्टर्स प्लस द नल कैरेक्टर टू बी स्टोर इन मेमरी द अदर स्टूडेंट इज़ अब्दुलरजाक मोर कैरेक्टर्स तो चलते वक्त हम मेमोरी कैसे एक्सपेंड करें कैसे एलोकेट करें उसके लिए ये फंक्शन थे मेलॉक, कैलॉक या री एलॉक आपको याद होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मेलॉक को ले लेते हैं कि मेलॉक को हम बताते थे कितनी बाइट्स चाहिए हमें मेमरी में से और वो बाइट्स के लिए फिर हम कुछ कैलकुलेशन भी डाल देते थे कई दफ़ा हम ये करते थे कि जी कितनी जगह चाहिए और फिर एक जगह को कितनी स्पेस चाहिए सो वी यूज समथिंग लाइक आई नीड टेन ऑफ़ टाइप इंटेजर इंटिजर को कितनी चाहिए जगह हम साइज ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे और साइज ऑफ से इंट ले लिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया बाई टेन और वो आर्गूमेंट पास कर दिया मेलॉक को मेलॉक ने टेन टाइम्स द स्पेस रिक्वायर्ड बाई एन इंटिजर वो हीप में से हमारे लिए एलोकेट कर दी सो इट इज़ जस्ट बाइट्स कोई इनिशलाइजेशन नहीं हुई कुछ नहीं हुआ सिर्फ मेमरी में से एक जगह रिजर्व कर दी गई है मैलॉक रिटर्न क्या करता था इट रिटर्न इफ यू रिमेंबर अवॉइड पॉइंटर अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अवॉइड टाइप ऑफ मेमरी वॉट एवर देट मीन्स यानी इस्तेमाल से पहले हमें उस मेमरी पॉइंटर को कास्ट करना पड़ता था यानी अगर हमने इंटेजर्स इस्तेमाल करनी है तो फिर हमें इंट स्टार वाली कास्ट पैरथिसिस के अंदर पहले उसके ऊपर लगानी पड़ती थी बिफोर द मेलाग फंक्शन और फिर एक इंटेजर पॉइंटर को असाइन करके उसको हम इस्तेमाल करते थे यानी काफ़ी सारी हमें हाउस कीपिंग करनी पड़ती थी We had to determine how many bytes we needed. So that was the argument that we passed to malloc. then it returned a void pointer and then we had to cast the void pointer to the right type of pointer and then assign it to a variable pointer. And then the, th the last point which is also very important the memory allocate initialize as is heap se us, aapko di hai. it can contain garbage. The other half of these memory allocation functions was the free function. If you free agarapn chalte pak runtime agarko memory allocate ki hai to usko free karnajo hai responsibility as a programmer. This responsibility, of course, is not going to go away with these new functions, but you will notice that the new functions are far easier to use and more self-explanatory. Let us look at कि जी सी प्लस प्लस में मेमरी एलोकेशन कैसे करते हैं द मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस इज डन विद द यूज ऑफ द न्यू ऑपरेटर नोटिस मैंने इसको ऑपरेटर कहा है malloc जो था वो फंक्शन था अस सी इसका सिंटेक्स क्या है न्यू के साथ हम फॉर एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं कि मैंने एक इंटीजर के लिए जगह रखनी है मेमरी के अंदर रन टाइम पे एलोकेट करनी है all i have to write is new space int new operator allocates enough space in memory for one integer and returns something what does it return it returns a pointer to an int how is that for intelligence integer उसने ना सिर्फ इंटीजर के लिए जगह स्टोर की बल्कि अ पॉइंटर टू एन इंटीजर वापस कर दिया जो कि मुझे कास्ट करने की जरूरत नहीं है सो इन माई प्रोग्राम आई कुड डू समथिंग लाइक इंट स्टार आई पी टी आर विच मीन्स आई पी टी आर इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर और नीचे जाके मैं कह दूँ आई पी टी आर इज इक्वल टू न्यू इंट देट्स इट नो कास्ट नो फैंसी ब्रैकेट्स नो साइज ऑफ ऑपरेटर नो हाउ मैनी बाइट्स आर नीडेड एवरी थिंग इज डन फॉर आस सो न्यू इज़ वेरी एलिगेंट न्यू को मैं कह दूँ न्यू चार इट एलोकेट्स एनफ स्पेस फॉर वन कैरेक्टर न्यू डब इट एलोकेट्स एनफ स्पेस फॉर अ डेटा ऑफ टाइप डब रिटर्न क्या कर रहा है अप्रोप्रिएट डेटा टाइप का पॉइंटर सो इट डज लॉस ऑफ थिंग्स फॉर आस विच मैलॉक एंड सी एलॉक एट्सट्रा वर नाट डूइंग न्यू के साथ मेमरी फ्री करने का फंक्शन क्या है या ऑपरेटर क्या है वो है डिलीट सो so, जब भी आप न्यू इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं आपको डिलीट लिखना चाहिए सो इन दिस केस अगर हमने कहा आई पी टी आर इज़ इक्वल टू न्यू इंट तो जब उसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया वी शुड से डिलीट आई पी टी आर अगेन इंटरेस्टिंग उसको पता है आई पी टी आर इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटजर एंड इट विल डिलीट द मेमरी दैट दैट पॉइंट्स टू यानी फ्री कर देता है वो वापस फ्री स्टोर पर चली जाती है मेमरी वॉट एल्स अभी तक मैंने सिंपल वेरिएबल्स की बात की वॉट अबाउट इफ़ आई वॉन्ट टू एलोकेट स्पेस फॉर एन एरे एंड रिमेंबर वहाँ पर ज़्यादा इसका काम आता है वेल well, एरे के लिए इट्स इवन सिंपलर यानी ऑल यू हैव टू डू इज आफ्टर द न्यू एंड द डेटा टाइप इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स यू जस्ट पुट इन द साइज ऑफ़ द एरे सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 इंटीजर्स की एरे बनानी है और रन टाइप पे मुझे मेमोरी एलोकेट करनी है Let's take the same old pointer. So we have int star iptr. So iptr is a pointer to an integer. And now I want this pointer to point to a block of memory that can be used to store 10 integers. How do I write it? I say iptr is equal to new int square brackets 10. Simple. What it does is फ्री स्टोर में से जाके 10 इंटीजर्स की जगह ली वो एलोकेट कर ली एलोकेट अगर हो गई तो उसने इंटीजर पॉइंटर रिटर्न किया जो हमने आई को असाइन कर दिया अब उसके साथ जो भी हम काम करना चाहें वो कर लें वेन वी यूज़ दिस टाइप ऑफ मेमरी एलोकेशन नोटिस दैट द मेमरी बींग एलोकेट इज़ कमिंग फ्राम जिसको पहले हमने हीप कहा था और सी प्लस प्लस में अब हम उसको फ्री स्टोर कहते हैं वहाँ से मेमरी आ रही है वॉट हैपन्स अगर वहाँ पर काफ़ी मेमरी ना हो मैलॉक आपको याद होगा वो नल पॉइंटर रिटर्न कर देता था यहाँ पर सी प्लस प्लस में जीरो पॉइंटर रिटर्न होता है सी प्लस प्लस में जीरो इज़ यूज एज द इन वैलिड पॉइंटर वैल्यू इंस्टेड ऑफ यूजिंग नल वैल्यू वही है अंदर तो ज़ीरो की वैल्यू होती है बट द कन्वेंशन इज इट यूज जीरो सो अगेन वेन एवर वी कॉल न्यू और समथिंग इट वुड बी गुड प्रैक्टिस टू चेक फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द न्यू ऑपरेटर एंड रिमेंबर न्यू इज़ एन ऑपरेटर इट इज़ नॉट अ फंक्शन सो न्यू जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद कोई पैरथिस वगैरह नहीं डालते हम लिखते हैं न्यू फिर स्पेस फिर डेटा टाइप और फिर अगर एरे बनानी है या काफ़ी मल्टीपल लोकेशन चाहिए तो स्कोयर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ लोकेशन दैट यू नीड कोई साइज ऑफ ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल हो रहा कोई आप उसको बाइट्स की बात कर ही नहीं रहे हम कहते हैं न्यू डबल टेन तो वो डबल प्रिसजन नंबर्स को जितनी मेमोरी चाहिए उसको ज़रबे दस मेमोरी एलोकेट करके एक डबल की तर, ए, के पॉइंटर जो है वो हमें रिटर्न कर देता है सो इट्स अ वेरी यूजफुल एंड अ वेरी पावरफुल फंक्शन डिलीट इसके साथ चलता है सो एफ आई से आई पी टी आर इज़ न्यू इन टेन आई से डिलीट आई पी टी आर ओके वॉट एवर मेमरी वॉज एलोकेटड

So I can declare something like date star dptr. Yani dptr is a pointer to an object of type date. Number one, abhi to ye pointer hai. So pointer as you know holds an address. Where is the object? The object will be created. hua. When will it be created? When we use something like the new operator. So let's go and create an object of type date using the new operator. How do we do that? Well, it must be a complex syntax, right? Actually, it's absolutely straightforward. You would use exactly the same syntax, which we or integer IPTR and integer. We would use something like uh, dptr is equal to new date, new space date. Again, no parentheses. Why can we do that? Remember the basic definition of a class. It's a user defined data type. In other words, humne language kohi extend the hai. Look at the power. We can now create data types of our own choosing. Once we have created those data types by defining them in a class, we use them exactly as the native data types. So new date. That's quite fine. Date class defined hai. एक डेट के ऑब्जेक्ट को जितनी मेमोरी चाहिए वो फ्री स्टोर से एलोकेट होगी उस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंटर है वो रिटर्न होगा और डी को असाइन हो जाएगा इज़ दैट ऑल दैट न्यू इज़ डूइंग फिर हम मेलॉक भी इस्तेमाल कर लेते थोड़ा सा फ़र्क है कि जी मेलॉक को आपको कोई साइज देना पड़ता है पहले तो आप ये चेक करें एंड कन्फर्म फॉर योर सेल्फ कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट जो है ये मेमोरी लेता कितनी है हाउ डू यू डू दैट वेल यू ऑलरेडी हैव द टूल फॉर दैट पर्पस एंड दैट इज द साइज ऑफ़ फंक्शन सो इफ यू वर टू से समथिंग लाइक सी आउट लेस देन लेस देन साइज ऑफ डेट क्लास का नाम लिखते बीच में वो आपको बताएगा कि डेट क्लास ने कितनी मेमोरी में जगह लेनी है इन आर केस वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लेट्स ए डेट माई डेट एंड देन प्रिंट आउट ऑन द स्क्रीन साइज ऑफ माई डेट नोटिस मैंने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का वेन एवर वी इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास द मेम्बर फंक्शंस ऑक्यूपाई अ कॉमन रीजन इन मेमरी एंड द डेटा मेम्बर्स आर ईच एलोकेटेड एनफ नफ मेमरी फॉर ईच ऑब्जेक्ट दैट वी क्रिएट सो साइज़ ऑफ़ को क्या चीज़ रिटर्न करनी चाहिए वेन वी से साइज ऑफ माई डेट विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट क्या चीज़ रिटर्न करनी चाहिए या तो वो रिटर्न करे कि जी डेटा ने इतनी जगह ली है फंक्शंस ने इतनी जगह ली है और ऑब्जेक्ट ने मिला के इतनी जगह ली है ना दैट वुड बी लॉजिकल एक्सेप्ट लेट से आई डिक्लेयर थ्री ऑब्जेक्ट्स आई सेट डेट डेट वन डेट टू डेट थ्री अब साइज ऑफ क्या रिटर्न करेगा प्रॉब्लम इज और आई अर्लियर कि फंक्शंस तो एक ही दफा मेमोरी में आएंगे और फिर डेट ऑब्जेक्ट अप्रोप्रियटली फंक्शंस को कॉल करेगा कर अपने डेटा मेंबर्स के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो डेटा स्टोरेज जो है ऑब्जेक्ट की उसका साइज रिटर्न करता है सो so हमारा जो डेट ऑब्जेक्ट था या डेट क्लास थी उसके अंदर हमने तीन इंटेजर्स डिफाइन किए हुए थे इंट मंथ डे और ईयर लिहाजा उसका साइज ऑफ जो है वो तीन इंटेजर्स जितनी स्टोरेज है इंटरेस्टिंग बट नाइस फंक्शंस एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते फंक्शंस तो गए वो कोड में शामिल हो गए उन्होंने जितनी मेमोरी लेनी थी वो एक दफा ही लेंगे डेटा मेंबर्स आर द वंस दैट आर रेप्लीकेटेड वेन एवर यू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द साइज ऑफ द डेटा मेम्बर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैक टू आर न्यू ऑपरेटर जब हमने कहा कि डी पी टी आर इज इक्वल टू न्यू डेट तो मेमरी कितनी एलोकेट हुई उतनी होनी थी अगर मेलॉक को हम साइज़ ऑफ डेट के साथ हम कॉल करते यानी ऑटोमेटिकली न्यू ने पहले डेट ऑब्जेक्ट उठाया, यानी डेट क्लास से उसकी डेफिनेशन ली है कि जनाब इसका डेटा अंदर कितना पड़ा हुआ है और न्यू को ऑटोमेटिकली मिल गया कि जी इसमें तीन इंटीजर्स की जगह चाहिए सो उसने तीन इंटीजर्स की जगह मेमोरी में एलोकेट की और फिर उसका पॉइंटर जो है वो डी पी टी आर के अंदर रिटर्न कर दिया इज दैट द ओनली थिंग इट इज़ डूइंग एक्चुअली इट्स डूइंग अ लॉट मोर यू सी वॉट इट इज़ डूइंग इज इट इज़ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट मैलॉक वगैरह कुछ नहीं करते दे आर सिंपल फंक्शंस वो मेमोरी का एक ब्लॉक जो है एलोकेट करके उसके शुरू का जो है पॉइंटर वो आपको वापस दे देते हैं न्यू जो है इट एक्चुअली गोज एंड क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट फॉर यू सो फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू इंट भी कहा तो उसने एक नया इंटीजर क्रिएट कर दिया और अगर कोई रूल होते कि जी नया इंटीजर जब भी क्रिएट हो तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए या टेन होनी चाहिए तो वो भी हो जाती हाउ डज दैट और वॉट डज दैट इम्प्लाय फॉर अ क्लास वॉट इट एम्प्लायज इज़ कि अगर न्यू ऑपरेटर के साथ आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है इजन दैट नाइस यानी एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो मेलॉक हमें वापस कर रहा था उसको मेमोरी को हाथ भी नहीं लगाता था जो कुछ भी बीच में गाबेज लिखी हुई थी उसका एक पॉइंटर रिटर्न हो जाता था अब न्यू के साथ जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर को वो जो मेमोरी एलोकेट की गई है वो पास होती है उसके अंदर अगर कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी इनिशलाइजेशन करना चाहते हैं और हमने डेट के लिए इनिशलाइजेशन डाली थी बीच में ताकि कोई वैलिड वैल्यूज हों वो ऑटोमेटिकली इस मेमोरी स्पेस में लिखी जाती हैं और फिर जब आपको पॉइंटर मिलता है पॉइंटर भी उस क्लास के टाइप का पॉइंटर मिलेगा कोई कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है एंड द पॉइंटर नाउ पॉइंट्स टू अ वैलिड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दैट नाउ हैज़ वैलिड डेटा इन इट वेरी वेरी पावरफुल मैलॉक वगैरह को आप सब भूल जाए न्यू ऑपरेटर को इस्तेमाल करें we have allocated space for the object we have called the constructor for the object sorry let's go back we have allocated space for the object without telling the program kitni jagah chahiye the new operator has automatically determined kitni jagecha chahiye then it has called a constructor for the object when it calls the constructor for the object it automatically hopefully we have written the constructor to initialize the data space. I'll pause here for a second and remind you. Agar app constructor provide nahi karte to C default constructor provide kardegi or object ko create karegi. the default constructor will not perform any initialization for you. Therefore, it is good practice that whenever you write a class you write a constructor that initializes the data into some meaningful shape going back to the new operator size of not needed usne khud determine kiya date object ko kitni jagah constructor automatically called so it will automatically initialize the data values inside the object to whatever we have put in the constructor and then it returns a pointer correctly cast to an object of type date और उसको हम assign कर देते हैं pointer को और इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं so extremely useful extremely powerful and a good way of allocating memory मैंने अभी बात की कि जी जब भी हम new के साथ एक object create करते हैं तो उसका constructor call हो जाता है पिछली दफा हम बात कर रहे थे कि जी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप फॉर प्रैक्टिस कोई सी आउट की स्टेटमेंट लिख दें जो कि आपको बताए कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इफ़ यू कॉल वो वाली क्लास इस्तेमाल करते हुए आप न्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट क्रिएटेड इफ दैट वाज द स्ट्रिंग दैट यू आउटपुट विद द सी आउट यानी दैट्स प्रूफ के कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड नाउ लेट्स स्टेप बैक अगेन अ लिटिल बिट हमने कहा कि जी अगर मुझे दस इंटीजर्स की एरे क्रिएट करनी है और उसके लिए मैंने जगह एलोकेट करनी है मेमोरी के लिए मेमोरी में तो आई वुड से समथिंग लाइक आई पी टी आर वेर आई पी टी आर इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर आई पी टी आर इक्वल्स न्यू इंट टेन इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स एंड दैट वुड एलोकेट दैट स्पेस फॉर टेन इंटीजर्स कैन आई डू इट विद ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास इन अदर वर्ड्स कैन आई एलोकेट मेमरी फॉर टेन ऑब्जेक्ट्स और व्हाट एवर द नंबर आंसर इज यस एंड द सिंटेक्स इज आइडेंटिकल कोई नया तरीका नहीं सीखने वाला हम कहेंगे डी पी टी आर वे डी पी टी आर इज अ पॉइंटर टू डेट ठीक है ना पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट डी पी टी आर इज इक्वल टू न्यू डेट टेन विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स अगेन अगर दस हमने डेट्स डिफाइन करनी है बीस करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में बीस लिख देंगे एंड सो ऑन हैव सम फन राइट आउट द कंस्ट्रक्टर्स एज आई मैंशन लास्ट टाइम उसके अंदर सी आउट स्टेटमेंट डालें सी आउट डालने के बाद आप इस तरह से न्यू के साथ दस डेट के ऑब्जेक्ट्स के लिए जगह क्रिएट करें अभी मैंने आपको ये बताया कि जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है विद न्यू ऑपरेटर तो देन द कंस्ट्रक्टर फॉर दैट क्लास इज़ कॉल्ड सो वेन वी से न्यू डेट टेन विच कंस्ट्रक्टर हाउ मैनी कंस्ट्रक्टर्स दस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं ऑफ कोर्स वो इकट्ठे होंगे मेमोरी में कॉन्टिग्युअस ब्लॉक ही एलोकेट होगा लेकिन दे विल बी टेन कॉल्स टू द कंस्ट्रक्टर यू कैन डू दिस राइट आउट दिस वन लाइन एंड सी वॉट हैपन्स ऑन योर आउटपुट स्क्रीन इट विल रिपीट टेन टाइम्स कंस्ट्रक्टर फॉर डेट कॉल कंस्ट्रक्टर फॉर डेट कॉल कंस्ट्रक्टर इन अदर वर्ड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर आर ऑल बींग प्रॉपरली इनिशलाइज देखें आपके लिए कितना सारा काम जो है वो इस न्यू ऑपरेटर ने कर दिया हर ऑब्जेक्ट के लिए उसने स्पेस भी डिटरमिन की उसको इनिशलाइज भी किया मेमोरी एलोकेट करने के बाद इनिशलाइज़ करने के बाद उसने करेक्ट टाइप का पॉइंटर भी वापस कर दिया लॉट्स ऑफ यूज़ेस पॉइंटर हमारे पास ऑब्जेक्ट का आ गया तो उसके साथ हम नॉर्मल मैनिपुलेशन कर सकते हैं एक्सेप्ट ये याद रहे कि जब हम ऑब्जेक्ट के साथ से मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं या मेथड को कॉल करते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट था डेट वन तो हम कहते थे डेट वन डॉट सेट डेट फंक्शन कॉल करने के लिए द फंक्शन नेम वाज सेट डेट अगर डी को इस्तेमाल करना है इन अदर वर्ड्स पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट देन वी विल राइट डी पी टी आर राइट एरो विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई राइटिंग अ माइनस साइन अ ग्रेटर दैन साइन and then the name of the function in this case set date so we will use this notation which is called the arrow notation whenever we are using a pointer to access either member functions or member variables if they are public you can't touch them if they are private only member functions can touch them but arrow operator will be used instead of the dot operator not very difficult sirf yaad rakhne कंपाइलर विल ऑल्सो कैच दिस सो यू कॉन्ट इनएडवर्टेंटली डू समिंग लाइक डी पी टी आर डॉट सेट डेट अगर डी पी टी आर पॉइंटर है तो कंपाइलर ही आपको रोक देगा कि जनाब ये कॉन्स्ट्रक्ट आप पॉइंटर के साथ कॉल कर रहे हैं मेम्बर फंक्शन को यू कॉन्ट कॉल इट दिस वे मे बी अ मोर इंटेलिजेंट कम्पाइलर विल टेल यू कि जी डॉट ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल करना एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करना है सो यू हैव टू डू इट दैट वे इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो कि हमने स्ट्रक्ट के साथ बात की थी स्ट्रक्चर्स यानी स्ट्रक्ट एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस आर वेरी वेरी सिमिलर अब मैं आज बताता चलूं कि स्ट्रक्ट के अंदर भी मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं सी प्लस प्लस में सी में नहीं सी में स्ट्रक्ट व सिंपली डेटा सी प्लस प्लस में स्ट्रक्ट कैन हैव डेटा एज वेल एज फंक्शंस। डिफरेंस है विजिबिलिटी का नजर क्या चीज आती है बाहर से स्ट्रक्चर के अंदर डिफ़ॉल्ट है कि हर चीज़ पब्लिक है हर चीज़ जो स्ट्रक्चर के अंदर लिखेंगे वो बाहर से नज़र आएगी क्लास के अंदर डिफॉल्ट प्राइवेट है जो चीज़ क्लास के अंदर लिखेंगे यानी डेटा मेंबर्स या फंक्शंस अगर कुछ और नहीं लिखते तो बाहर से कुछ नज़र नहीं आएगा सो यू हैव टू प्रोवाइड द कीवर्ड पब्लिक और पब्लिक के बाद जो चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे वो बाहर से नज़र आएंगी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के हालांकि डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है क्लास के लिए फिर भी आप प्राइवेट खुद लिखें ताकि जब आप कोड को देख रहे हों आपको डायरेक्टली नज़र आए कि आह प्राइवेट ये वाला डेटा हमने प्राइवेट किया है और ये एक यूटिलिटी फंक्शन भी हमने प्राइवेट बनाया हुआ है ये बाहर से कॉल नहीं होगा ये कोई और मेंबर फंक्शन इसको कॉल करेगा और फिर आप पब्लिक लिखें यानी पब्लिक कोलन और उसके बाद जो चीज़ें लिखेंगे क्लास के अंदर वो जो हैं वो बाहर से भी नज़र आएंगी यानी यूज़र्स ऑफ द क्लास को भी नज़र आएंगी टेक दैट एज अ गुड गाइडलाइन Use the keywords private and public. Then, if we talk about flexibility in these two words, you can use them again class. Ke you can say private X Y Z, public A B C, and then again private R S T or something like that. But that's a bad idea. You don't want to mix private and public so many times that the looking at the class becomes confusing. Collect them. First, declare private. ko declare kar le, phir public. That's it. हाँ पब्लिक को ऊपर करना चाहते हैं प्राइवेट को नीचे करना चाहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ स्टाइल एंड एज आई से स्टाइल इज़ योर प्रेफरेंस इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड इट इज़ नॉट अ नॉर्म इट इज़ योर प्रेफरेंस आपका दिल करता है कि जी ऊपर पब्लिक डिक्लेयर करने हैं पहले चीज़ें सो क्लास जब शुरू हो तो सारी जो बाहर से चीज़ें नज़र आनी है वो नज़र आ जाएँ पब्लिक ऊपर लिख लें याद रखें कि पब्लिक के बाद जब प्राइवेट सेक्शन डिक्लेयर करना है तो प्राइवेट लिखना लाजमी है अदरवाइज सारी चीज़ें पब्लिक ही रहेंगी यानी वंस अ प्राइवेट और अ पब्लिक की वर्ड इज़ यूज इन साइड अ क्लास डेफिनेशन ऑल फॉलोइंग डेटा और मेम्बर फंक्शन रिटेन दैट एट्रीब्यूट यानी अगर प्राइवेट से शुरू हो गए तो सारी चीज़ें प्राइवेट रहेंगी जब तक पब्लिक नहीं आएगा पब्लिक से शुरू हो गए तो सारी चीज़ें पब्लिक रहेंगी जब तक प्राइवेट नहीं आएगा एक और की वर्ड है वो है प्रोटेक्टेड लेकिन प्रोटेक्टेड हमारे इस कोर्स में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे दैट हैज टू डू विद इन्हेरिटेंस एंड इन्हेरिटेंस फॉल्स इन टू द डोमेन ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग दैट्स अ सेपरेट कोर्स यू विल स्टडी इट देयर सो लेट्स स्टे विद द न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स और देखें हमें न्यू के साथ बाहर से ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट कर लिए लेकिन याद रहे कि न्यू वगैरह का फंक्शन जो है दैट इज़ मोर जेनेरिक द फंक्शन इज़ टू एलोकेट मेमरी तो क्वेश्चन ये है कि जी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू कॉल हो सकता है कि नहीं आंसर इज ऑब्वियसली व्हेन आई आस्क क्वेश्चन लाइक ऑलवेज़ यस यूजुअली इट्स यस बट इन एनी केस ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनको डायनेमिक मेमोरी की ज़रूरत पड़े यानी व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट तो मे बी उसका साइज छोटा सा हो बीच में जाके हम इस्तेमाल करते करते ऑब्जेक्ट को मोटा करना चाहें क्लासिक एग्जांपल वुड बी लेट्स से हम एक क्रिएट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट तो स्टूडेंट के हमने एज और हाइट और इस तरह की चीज़ें तो इंड्स और फ्लोट्स के अंदर रख दी इन व्हाट अबाउट द नेम नेम के साथ हमारे पास वही क्वान्डरी हो जाती है वही मसला पेश आ जाता है कि जी या तो एरे रखें फिक्स साइज की और कहें कि जी सौ कैरेक्टर्स की एरे रख दी हमने नाम के लिए और सौ कैरेक्टर से लंबा नाम कभी नहीं होगा और पता चले कि जी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके नाम 20 से 25 कैरेक्टर्स के आ रहे हैं सो वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मेमोरी।

एडवांटेज यही है कि जी ऑब्जेक्ट्स नाउ आर ऑफ़ वेरिएबल साइज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास दे आर ऑफ वेरिएबल साइज एंड दे ओनली कॉन्टेन एनफ नफ मेमरी टू होल्ड द डेटा अप्रोप्रिएट फॉर दैट ऑब्जेक्ट सो किसी में नाम छोटी जगह ले रहा होगा किसी में नाम बड़ी जगह ले रहा होगा कईयों में नाम बहुत लंबी जगह ले रहा होगा नंदलेस यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डिलीट ऑपरेटर कॉल करने की हाउ डज़ दैट वर्क देखिए मैंने बात की थी कि न्यू जब भी हम कॉल करेंगे तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल्सो कॉल डिलीट वन द जॉब इज़ ओवर अदरवाइज़ वही जो मेमरी लीक्स की पहले मैंने बातें की थी वो मेमरी लीक्स यहाँ पे भी हो सकती हैं वी एलोकेट मेमरी फ्राम द फ्री स्टोर हमने प्रोग्राम में हमें मेमरी मिल गई हमने इस्तेमाल की उसको रिटर्न नहीं किया फ्री स्टोर के ऊपर पॉइंटर जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन कोई ऑटोमेटिकली वो मेमोरी फ्री नहीं होती सो वी मस्ट ऑलवेज कॉल द डिलीट ऑपरेटर नाउ, विद एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट के अंदर से भी डिलीट ऑपरेटर कॉल किया जाए जब ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं रही वेयर डू वी कॉल इट कैन यू थिंक अबाउट द लोकेशन द लोकेशन इज ऑब्वियस लोकेशन विल बी द डिस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास डिस्ट्रक्टर में हम वो डिलीट ऑपरेटर डालेंगे कि जो इस ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ली हुई थी जब इस ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम ख़त्म हो तो डिलीट ऑपरेटर कॉल हो जाए और जितनी भी मेमरी इसने एलोकेट की हुई थी वो फ्री स्टोर के ऊपर वापस चली जाए सो दैट इज़ द रियल यूज़ ऑफ डिस्ट्रक्टर्स अभी तक तो हम एक फेक सा यूज़ था कि जी डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसको देखने के लिए कि कॉल होता है कि नहीं हमने एक फेक डिस्ट्रक्टर लिख लिया था जिसमें एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई थी अब डिस्ट्रक्टर बजाते ख़ुद एक फंक्शन की शेप लेने लग पड़ता है और जहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमने कोई मेमोरी एलोकेट की यूजिंग द न्यू ऑपरेटर तो डिस्ट्रक्टर में डिलीट ऑपरेटर कॉल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद डैट रूल ऑफ थम जब भी आपके पास कोई एक क्लास है जिसके डेटा मेंबर्स के अंदर पॉइंटर है और पॉइंटर को हम इस्तेमाल करते हैं बाय एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम देन इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू आल्सो प्रोवाइड अ डिस्ट्रक्टर फॉर दैट क्लास याद रहे जहाँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता सो देर ओनली वन डिस्ट्रक्टर दैट वन डिस्ट्रक्टर मस्ट डू हाउस बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड नॉर्मल जो डेटा मेंबर्स हैं इंड चार फ्लोट वगैरह वो डिस्ट्रक्टर में उनको डी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन जहाँ पे आपने मेमोरी एलोकेट कर ली न्यू के साथ डिलीट मस्ट बी कॉल्ड सो मैलॉग के साथ फ्री हम कॉल करते थे दैट वाज ऑलवेज़ इन अ पेयर इसी तरह न्यू के साथ डिलीट कॉल करेंगे इट विल ऑलवेज बी अ पेयर्ड यूजेज हाँ वी विल बी कॉलिंग दैम फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस Normally new will be called in a constructor and delete will be called in a destructor. But think about it, can new be called in something other than a constructor? As usual, why not? And in fact, we normally need to do that. Kistra se suppose a student object create kia or student ka nam hai Abdul Khalik. सो so, उसके नेम फील्ड के अंदर मैंने न्यू के साथ अब्दुल खालिक के लिए जगह एलोकेट की और वहाँ वैल्यू लिख दी अब छः महीने के बाद अब्दुल खालिक साहब आते हैं कि जनाब अब तो मैं स्टूडेंट नहीं रहा मैं तो ग्रेजुएट कर गया हूँ और ग्रेजुएट करने की वजह से आप मेरे नाम के साथ बी ज़रूर लिखें और क्योंकि हमने डेटा तो अपना रखना है तो अब मैं अब्दुल खालिक के साथ बी लगाना चाहता हूँ लेकिन मुझे जगह ज़्यादा चाहिए उसके लिए So how डू आई डू इट वेल यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द way वे ऑफ डूइंग इट बट द लॉजिक इज़ सिंपल अगर हम C में ये काम कर रहे होते जो कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेज नहीं होती तो हम रीअलॉक कॉल करते कि जी ये वाला डेटा कायम रहे और इसकी जगह बढ़ा दो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम नई मेमरी मांगेंगे फ्री स्टोर से जो कि ऑरिजिनल वैल्यू प्लस द न्यू डेटा जितनी जगह हो जब न्यू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसमें पुरानी वैल्यू कॉपी कर देंगे उसके साथ डेटा जो अपेंड करना है वो उसके साथ अपेंड कर देंगे सो अब नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया और पुराने वाले को डिलीट कर देंगे और इसको वापस लिख देंगे सो इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड बट द लॉजिक स्ट्रेट फॉरवर्ड एलोकेट एनफ स्पेस फॉर द न्यू वेरिएबल और द न्यू डेटा पॉपुलेट दैट स्पेस डिलीट द प्रीवियस स्पेस And put it back into the space occupied or the pointer that was pointing to the original data. So hum is se run time ke object ka size bhi Badal sakte. Hai. Does this changing of the size of the data inside an object have an implication for the destructor? No, it has no implication because jo new or delete functions, your operators hain, they are also very, very intelligent. When you एलोकेट स्पेस यूजिंग न्यू तो आई रिकैप अगेन कि जी ना हमने उसको बताया कि जी कितनी बाइट्स चाहिए उसको तो अगर मैंने न्यू ऑब्जेक्ट टाइप दे दी तो उसने ऑब्जेक्ट के साइज़ की जगह दे दी अगर यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ हमने एक्चुअली एक कैरेक्टर एरे थी तो हम एरे को बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएँगे आपको याद है स्ट्रिंग फंक्शन आपके पास हैं कि जी जो नई स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ कैलकुलेट करें और फिर न्यू के साथ न्यू चार और स्क्र ब्रैकेट्स के अंदर वो लेंथ की वैल्यू दे दें जब आप डिस्ट्रक्टर में आएंगे तो यू विल जस्ट से डिलीट फलाना पॉइंटर पॉइंटर का नाम आ जाएगा जो भी नाम होल्ड कर रहा था उसकी जगह जो है वो वापस फ्री स्टोर पे चली जाएगी वेनेबर वी आर यूजिंग एरेज तो डिलीट के साथ हम एरे का सिंबल डाल देते हैं विच इज़ टू स्क्र ब्रैकेट्स सो वी से डिलीट स्क्वेयर ब्रैकेट्स पॉइंटर नेम दैट द डिलीट ऑपरेटर कि ये एक एरे है जिसको वापस मेमोरी पे डालना है सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है जिसको डालना है सो so, इनके साथ तो हम प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों की सो न्यू और डिलीट जो है उसको रिकैप करता चलूँ कि सिर्फ क्लास के बाहर नहीं टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास ऑन द हीप और ऑन द फ्री स्टोर बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन अ क्लास वी कैन कॉल न्यू विच एलोकेट्स डेटा फॉर द डेटा मेम्बर्स ऑफ अ क्लास एट रन टाइम

वो पूरी जगह फ्री हो के वापस स्टोर पे चली जाती है वेन दैट ऑब्जेक्ट इज़ डिस्ट्रॉयड अगेन यू कैन राइट योर सेल्फ सम फंक्शंस अ लिटल क्लास एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद दिस टू फाइंड आउट कि जी जगह स्टोर होती है नहीं होती डिलीट हो के वापस वो मेमरी पे चली जाती है नहीं चली जाती बट यू माइट ऑल्सो बी कि जी अगर ये न्यू और डिलीट इतने ही यूज़फुल ऑपरेटर्स हैं तो हमने एक पूरा लेक्चर मैलॉक और कैलॉक वो वगैरह पढ़ते हुए वे, क्यों वेस्ट किया मा आंसर इज नॉलेज इज नेवर वेस्टेड दोज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स विच वर यूज इन द सी लैंग्वेज इफ़ यू वर टू आस्क मी कि जी मुझे एक फ़ाइल कॉपी फंक्शन लिखना है तो मोस्ट प्रॉब्बली फाइल कॉपी के लिए मैं शायद मैलॉक ही इस्तेमाल करूँ इट्स अ लाइब्रेरी फंक्शन आई कैन यूज़ इट फ्रॉम विद इन सी प्लस प्लस इज वेल सो आई वुड एलोकेट अनफ स्पेस इन मेमरी टू होल्ड द फाइल और एटलीस्ट अ बिग पार्ट ऑफ़ द फाइल रीड इट इनटू मेमोरी, मेक अ कापी एंड्री एट यहाँ पे आई वुड हैव टू थिंक डिफरेंटली ऑब्जेक्ट थिंक जिसको कहते हैं व्हेन वी स्पीक और थिंक डिफरेंटली आपको थोड़ा सा एहसास होने लग पड़ा होगा कि अब जब से मैंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की गुफ्तु शुरू की है तो मेन फंक्शन कहीं साइड पर ही बैठा हुआ है पहले हमेशा हमारी बात जो होती थी वो होती थी कि जी मेन लिखें उसके अंदर ये लिखें ये लिखें फिर फंक्शन कॉल करें फिर वापस आएँ अब हम मेन का जिक्र कभी कभी करते हैं क्या मेन की ज़रूरत नहीं रही मेन इज़ वेरी मच देयर इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल सी एज़ वेल एज सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स बट वॉट यू विल रियलाइज एज़ यू गो ऑन एंड राइट योर ओन क्लासेज आपको ये एहसास होने लग पड़ेगा कि जी अब नब्बे फ़ीसद प्रोग्रामिंग जो है वो क्लास की डेफिनेशन के अंदर हम कर रहे हैं सो so क्लास क्या होगी उसके डेटा मेंबर्स क्या होंगे उसके वेरिएबल्स क्या हैं उसके मेथड्स या फंक्शंस क्या हैं कौन सी चीज़ प्राइवेट है कौन सी चीज़ पब्लिक है, है जब फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स हमने दे दी तो अब फंक्शंस को डिफ़ाइन करने चले हैं फंक्शंस की डेफिनेशन याद रहे क्लास नेम कोलन कोलन फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट इस तरह डिफ़ाइन करनी है आउटसाइड द क्लास और ये हम सारी क्लास की प्रोग्रामिंग करते हैं जब क्लास की प्रोग्रामिंग कम्प्लीट हो जाती है और अब हम आते हैं मेन की तरफ तो पता चलता है जी मेन तो चार लाइनों का प्रोग्राम रह गया है। मेन शुरू किया डेट माय डेट साथ इनिशियलाइजेशन, स्ट्रिंग दे दी माय डेट डॉट डिस्प्ले एंड ऑफ मेन ख़त्म यानी अब मेन दो चार लाइनों का रह गया सारा काम क्लास में हो गया आइडिया इज री मेहनत वहाँ पर करो जिसने बार बार इस्तेमाल होना है वेन एवर वी क्रिएट अ क्लास वी हैव टू थिंक अड इसके यूज़र्स कौन कौन होंगे यानी यूज़र यानी क्लाइंट ऑफ अ क्लास इज द प्रोग्राम दैट वी राइट जो कि क्लास को इस्तेमाल करता है बट यूजर्स की डेफिनेशन को आप बढ़ा लें यूजर्स ऑफ अ क्लास इज़ नॉट जस्ट डज नॉट जस्ट इंक्लूड द मेन प्रोग्राम दैट कॉल्स क्लास, बट एंड ऑल्सो इंक्लूड योर कोलीग्स द प्रोग्रामर्स अराउंड यू आपने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लास क्रिएट की है इट इज़ अ क्रिएटिव थिंग ओके राइटिंग प्रोग्राम इज क्रिएटेड याद है लेक्चर वन में मैंने कहा था इट्स अ क्रिएटिव एक्सरसाइज हम कोई चीज़ तख्लीक कर रहे हैं इट इज़ एक्साइटिंग राइटिंग अ गुड क्लास इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी एक्साइटिंग सो इफ यू रिटन द लेटेस्ट वैम बैंक क्लास तो हम आप उसको एडवर्टाइज करना चाहेंगे हम कहेंगे या तुम क्या अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो डेट क्लास तो मैंने लिख दी ये लो एंड एक चीज़ है ये इसका इंटरफेस है इंटरफेस ही बताने इंप्लीमेंटेशन तो बताने की ज़रूरत नहीं है इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर छुपी हुई है ये उसको इंटरफेस दिया तो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लो एंड विदाउट नोइंग कि जी उस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वेरिएबल नेम्स क्या थे किस तरह से डेटा रखा हुआ है किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया हुआ है किस तरह वाली बात जो है वो दूसरे प्रोग्रामर को मालूम होने की ज़रूरत नहीं है ऑल दे नीड टू नो इज़ इसी इसका इंटरफेस क्या है इसके कौन से मेथड्स हैं और मेथड्स के साथ मैं क्या चीज़ अचीव कर सकता हूँ एज सिंपल एज दैट सो यू कैन एडवर्टाइज योर वर्क एंड देन यू कैन गो फॉर रीयूजबिलिटी एडवांटेज योर मेन प्रोग्राम्स आर वेरी ईजी टू रीड द लॉजिक बिकम्स ऑब्वियस आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट आई हैव आस्ट द ऑब्जेक्ट टू डू दिस नोटिस आई डेंट से आई हैव डन दिस विद द ऑब्जेक्ट वॉट आई सेट वॉज आई हैव आस्ट द ऑब्जेक्ट टू डू दिस दिस इज एन वे ऑफ थिंकिंग अब हमने ऑब्जेक्ट को कहा है कि जो भी अपने आप को डिस्प्ले कर दो ऑब्जेक्ट को कहा है कि जो भी अपनी ये कैलकुलेशन कर दो सो वी आर जस्ट आस्किंग इट इसको अगर आप मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडोज वगैरह में जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो यह भी बात समझ आ जाएगी कि वहां पे उसको कहते हैं मैसेजेस हम अब ऑब्जेक्ट को मैसेज भेज रहे हैं विच इज द सेम और इज द सिनोनिम फॉर कॉलिंग अ मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट और मेथड का लफ्ज भी इसी तरह इस्तेमाल हुआ रहा है जी वो एक मेथड है कुछ काम करने का कोई तरीका है सो वी सेंड अ मैसेज वी कॉल अ मेथड एंड ऑल वी नीड टू डू इज मैसेज वन मैसेज टू मैसेज थ्री एंड ऑफ प्रोग्राम एज आई कीप रिपीटिंग इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स आई होप कि आज के लेक्चर में आप सो ना गए हों क्यों बिकॉज आई हैव रिपीटेड मनी थिंग्स मैनी टाइम्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई मैं इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव कवर्ड दैम अगेन पर उसकी एक वजह है एक ये कि हम आपके सोच का अंदाज थोड़ा सा एक मुख्तलिस सिमत में ले जा रहे हैं वी वॉन्ट नाउ टेक अ टर्न एंड स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली नंबर टू एट द बिगिनिंग ऑफ टूडेज लेक्चर आई गेव यू सम फिलोसॉफिकल रीजनिंग फॉर थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ दे मैनिपुलेट दम सेल्स एंड हाउ वी हैव मैथड एट्सीट्रा एंड आई स्पोक अबाउट वेर यू आर गोइंग विद दैट ऑब्जेक्ट और डेटा बेसिस एंड वीडियोज़ एंड ऑडियो एट्सट्रा अभी के लिए डू वी हैव समथिंग मोर एक्साइटिंग कमिंग अप और इज दिस इट और बाकी का कोर्स हम कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स की बात करते रहेंगे आंसर इज लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप ओवरलोडिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं लेट्स स्टेप बैक अ हैंट बिट देखें सी के अंदर जब हमने नेटिव डेटा टाइप्स की बात की थी तो याद होगा कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसमें नहीं थे अगर आपने C में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कोई फंक्शंस लिखने हैं या लाइब्रेरी लिखनी है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपना डिफाइन करना पड़ेगा नॉर्मली C में हम शायद स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लें कि जी उसका एक डबल रियल पार्ट है और डबल इमेजिनरी पार्ट है लेकिन स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है इट्स जस्ट अ लेबर फॉर सम डेटा मेम्बर्स उसके बाद अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एड करना है तो आपको अपनी बेसिक मैथ से ये पता होगा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं तो उनका रियल पार्ट रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होता है सी में हम इस काम के लिए शायद एक फंक्शन लिखते सपोज द फंक्शन वॉज कॉल्ड सी एड कॉम्प्लेक्स एड फिर उस फंक्शन को हम दो आर्गूमेंट्स पास करते कॉम्प्लेक्स नंबर वन और कॉम्प्लेक्स नंबर टू एज एन ऑर्डिनरी फंक्शन इफ वुड हैव डन समथिंग लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर वन डॉट रियल प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर टू डॉट रियल ये रियल पार्ट होगा और फिर इसी तरह उसका इमेजनरी पार्ट होगा और फिर हम उन वैल्यूज़ को किसी और वेरिएबल में स्टोर करके वापस आते ताकि हम कहीं पे उसको असाइन कर सकते या हम कहते कि जी सी एड जो है इसको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पास करो स्ट्रक्चर्स पहले दो को ऐड करके तीसरे में डाल दिया जाए आपको याद होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस अगर हम इस तरह से कॉल बाय वैल्यू कर लेते तो तीसरे में फंक्शन के अंदर वैल्यू डल जाती वापस आते तक वो वैल्यू गायब हो जाती सो so हमें अब रेफरेंस भी देना पड़ता एड्रेस देते C3 का कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री का एंड सो ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोज वट डू वी वॉन्ट टू डू विद इट और देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल वहाँ से क्यों शुरू की समथिंग एज बेसिक एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेर ए बी एंड सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स इसके सोल्यूशन्स क्या हैं अगेन बेसिक मैथ से आपको याद होगा कि जी इट इज़ माइनस बी प्लस एंड माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ़ बी स्क्ड माइनस फोर ए सी ओवर टू ए सिंपल चीज़ें याद रह जाती हैं ज़िंदगी में और मैंने आज नहीं रट्टा लगाया लेकिन देखें हम स्क्र रूट ले रहे हैं ऑफ़ बी स्क्ड माइनस फोर ए सी जब स्क्वेयर रूट ली तो क्या हमें गारंटीड है कि जी बी स्क्ड माइनस फोर ए सी विल बी अ पॉजिटिव नंबर और इट बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो आंसर इज देर नो गारंटी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम आ सकता है जब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये नेगेटिव हो जाए तो उसकी स्क्वेयर रूट कैसे लेंगे हमारे पास एक सिंपल सी टेक्निक थी हम कहते थे नेगेटिव नंबर की स्क्वेयर रूट हमें लेनी नहीं आती तो हम कहते हैं माइनस की स्क्वेयर रूट जो है वो आयोटा होगी i लिखेंगे उसको इंजीनियर जो हैं उसको j लिखते हैं और फिर जो पॉजिटिव नंबर बचेगा उसकी स्क्वेयर रूट लिख देंगे बट नाउ आर आंसर यानी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू पार्ट्स, अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट एंड दैट मीन्स दैट द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स सो समथिंग एज सिंपल एज अ इक्वेशन कुड हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड विद द बेसिक सी लैंग्वेज दैट वी हैड वी हैड टू राइट द सेट ऑफ फंक्शंस लाइक सी एड C multiply, C divide, and so on. And we did not have a convenient way of handling this data structure. Kya C mein complex data type hai? Answer is no. C does not have a data type which is of type complex. It does have a class. Most libraries will provide that, but that is again not the object. It is not, uh, I want to say, that C mein complex data type bhi aage. What I wanted to highlight was, with the advent of classes and objects, since these are user-defined data types, we can now extend the language. Now I can create a class of type complex. Or class ke andar excitement ki baat ki thi, aage chalke complex numbers which will now be objects. Let's say C1 and C2. उनको डिक्लेयर करके वी कुड राइट समथिंग लाइक सी वन प्लस सी टू ऑर्डिनरी प्लस सिम्बो एंड हैव दैम वर्क द वे वी वुड वॉन्ट टू एड टू कॉम्प्लेक्स नंबर टूगेदर हाउ डज दैट वर्क इज सी प्लस प्लस सो इंटेलिजेंट कि जी प्लस ऑपरेटर जो है वो भी किसी किस्म के डेटा को हैंडल कर सकता है अगेन एन लार्ज योर होराइजन आप रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग ना करें And large horizon, I have video clip 1 and video clip 2. And plus operator long video clip. Ban jai. And I would want to write in my program video 1 plus video 2. Again, is the plus operator so intelligent? The answer is no. There is no intelligence built into the plus operator, but from the extensible perspective. C++ gives us the ability to write our own plus operator. How is that for power? अब आप plus भी अपना लिख सकते हैं, minus भी अपना लिख सकते हैं, multiplication भी अपनी लिख सकते हैं, and so on. यानी you जो know, language के basic built-in operators हैं, उन operators को भी हम overload कर सकते हैं. So that is where the excitement is going to come in.

सो आई ओ स्ट्रीम्स के अंदर भी हम देखेंगे बहुत सारी ओवरलोडिंग हुई हुई है एनी वे वाज वॉज जस्ट अ लिटल प्री व्यू ऑफ थिंग्स टू कम वी विल प्रोसीड इन अ लॉजिकल मैनर टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़